हेलो फ्रेंड्स, आज का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो हाँ, आज हम बनाने वाले हैं इंडियन कैटफिश यानी कि बंगाली पापड़ा की रेसिपी। तो आपने अक्सर पापड़ा माछ खाया होगा, पर अक्सर क्या होता है ना कि इसकी एक ही तरह की रेसिपी बना के और इसी को खाते खाते हम बोर हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल एक नई सी, डिफरेंट सी और इजी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप बस इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। वैसे तो ये एक बंगाली रेसिपी है, बट ये बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है जो कि आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतराज फूड जोन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैटफिश यानी कि पापड़ा माछ को अच्छे से क्लीन करके धो लिया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं है, क्योंकि इसके पेट के अंदर बहुत सारा कचरा रहता है, तो वो हमें अच्छे से क्लीन कर लेना पड़ता है। और इसकी एक खास बात ये होती है, इसे आप एक प्रो टिप भी बोल सकते हैं, कि आप फिश को जितने बार धोएंगे ना, ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो अब क्लीन करने के बाद हम इसको मैरिनेट करने वाले हैं एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं टर्मरिक पाउडर। हल्दी ऐड करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ पे मैंडेटरी है, आप कोई और तेल इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पापड़ा फिश यानी कि इंडियन कैटफिश होती है, इसके जो स्केल्स यानी कि जो हम पपड़ी बोलते हैं ना, वो बिल्कुल ही नहीं होती या फिर एकदम कम होती है। तो जिस वजह से जब हम इस फिश को फ्राई करते हैं ऑयल में तो बिल्कुल पटाके बजने लगते हैं, यानी कि ये फिश जो इसका स्किन है ये बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से फटने लगता है। तो जब भी आप ऐसी कोई कम स्केल वाली या फिर कम पपड़ी वाली फ़िश को बना रहे हैं तो हमेशा उसको मस्टर्ड ऑयल से आप मैरिनेट करें, ताकि जब आप इसको फ्राई करें तो तेल ना छीटे। नमक, हल्दी और तेल को हम बिल्कुल अच्छे से फिश के साथ मिक्स कर देंगे, बिल्कुल चारों तरफ से इसको अच्छे से हमें कोट कर देना है। तो मस्टर्ड ऑयल से मैरिनेट करने की वजह से ये क्या होता है ना, कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो कुछ हद तक जो पटाखे फूटेंगे आपकी कढ़ाई में वो बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए, हमने इसको मैरिनेट कर दिया है, अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया है और 3 ग्रीन चिलीज ले ली है यानी कि हरी मिर्ची। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं, और ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है इन दोनों चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक फाइन पेस्ट हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तैयार कर लेना है। तो अब 15 मिनट हो गए हैं, हम फिश को फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, आप चाहे तो इसको फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई लेने के बाद गैस को ऑन कर दिया था, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल फ्राई करने के लिए। तो आप अगर चाहे तो फिश को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस फिश को डीप फ्राई करें। तो तेल हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, और गर्म होने के बाद एक बार अच्छे से इसको कढ़ाई में चारों तरफ घुमा देना है। अब हम फिश को बिल्कुल केयरफुली धीरे से तेल में छोड़ देंगे। तो हमेशा आप एक काम कर सकते हैं, जब आप फिश को तेल में छोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एक बड़ा सा लेडल या फिर पलटा या जो भी आपके पास है बड़ा सा स्पून आप ले सकते हैं, और उसकी मदद से आप फिश को ऑयल में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने फिश को ऑयल में ऐड किया, तेल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद बिल्कुल फूटने लगती है, क्योंकि इसका जो स्किन होता है वो तेल की वजह से स्वेलअप हो जाता है, और बाद में इसका स्किन जब फूटता है तो वैसे ही तेल भी चटकने लगती है चारों ओर। तो इसी वजह से आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप फिश को ऐड करने के बाद इसको एक लिड से या फिर ढक्कन से ढक सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये जो लिड है इसमें पूरा ऑयल छिटक रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था ताकि मैं सेफ रहूँ। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। तो मैंने एक साइड से फिश को 1 मिनट के लिए फ्राई किया था, अब मैं इसको पलट दूंगी, टर्न कर दूंगी। तो टर्न करने के बाद भी आपको बहुत केयरफुल रहना है, कि जैसे ही जो ऊपर वाला साइड है वो तेल की कॉन्टैक्ट में आएगा तो तेल स्पिल होने लगेगी। तो इसी तरह आप इसको फ्राई कर लिए दोनों साइड से। मैंने लगभग फिश को दोनों साइड से 2 से 2.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था।
सो एक और टिप मैं यहाँ पे फिर से आपको देना चाहूंगी कि आप जब फिश को टर्न करें ना, तब भी सामने एक लिड को पकड़ ले ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बैच ऑफ फिश है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसको एक अलग डिश में निकाल लेंगे। सो सबसे इजी वे है ये समझने का कि आपकी फिश परफेक्टली फ्राई हुई है कि नहीं, तो आप उसके जो ऊपर वाला स्किन है या फिर जो ऊपर का फैट है उसको चेक करें। अगर वो अच्छे से क्रैक हो गई है और उसमें एक डीप गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो आप ये समझ ले कि फिश अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम बाकी सारी पीसेस को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो सारी फिशेस को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब उसी तेल में मैं ऐड करने वाली हूँ कलौंजी। तो इसको हम गरम तेल में 2 या 3 सेकंड के लिए थोड़ा सा जला लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ऑनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था वो। तो मैंने यहाँ पे जितना पेस्ट तैयार किया था वो मैं पूरा यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। अगर आपके फिश की क्वांटिटी कम है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बड़ा ऑनियन की जगह छोटा सा या फिर आधा ऑनियन यूज़ कर सकते हैं और फिर उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें इसको अच्छे से तेल में फ्राई करना है। तो जार में जो पेस्ट था रिमेनिंग उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से घोल के फिर कढ़ाई में ऐड कर दिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट। अब इन सभी को हम बहुत अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे क्योंकि प्याज अदरक इन सभी का एक रॉ टेस्ट होता है, तो वो जाने तक हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ हल्दी, रेड चिली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फ्राई करूँगी तेल में। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम पे रखा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए बिल्कुल ही कम मसालों का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लगती है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो मुश्किल से मैंने यहाँ पे 4 से 5 चीज़ें ही यूज़ की है, इसमें ऐड की है। तो मैं 2 मिनट तक मसाले को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है क्योंकि इसमें से जो है तेल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। बस और 30 सेकंड तक हम इसको अच्छे से चला लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। तो पानी मैंने यहाँ पे 1 कप से कम ही लिया है, 1.25 कप लिया है लगभग। जो पानी है उसको हम एक ही बार में पूरा इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक की क्वांटिटी आप थोड़ा सा ही इसमें ऐड करें, बी केयरफुल व्हाइल यू आर एडिंग सॉल्ट क्योंकि हमने फिश को फ्राई करने के टाइम पे भी सॉल्ट ऐड किया था। तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम से हाई पे कर देंगे और इसको अच्छे से एक बॉयल आने तक वेट करेंगे। जो करी है जिसको हम बंगाली में बहुत ही प्यार से झोल बोलते हैं, उसमें एक उबाल अच्छा सा बॉयल आ गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड द फ्राइड फिश। तो सारे हमने जो फिश के पीसेस फ्राई किए हुए थे उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 by 1। गैस का फ्लेम मैंने अभी भी हाई पे ही रखा है। तो फिश को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो फिश है वो अच्छे से सबमर्ज हो जाए करी के अंदर, और इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस का फ्लेम हम कर देंगे लो पे। तो 5 मिनट यहाँ पे हो गए हैं, जो फिश है उसने जो टेस्ट है करी का वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 ग्रीन चिलीज की पीसेस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप तीखा बिल्कुल नहीं खाते या कम खाते हैं तो आप इसको ऐड ना करें। तो लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते को मैंने अच्छे से धो के चॉप किया हुआ था और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसको दे देंगे एक फाइनल मिक्स। तो धनिया के पत्तों को हम फिश के साथ और करी के साथ अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इससे जो आपका फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसके बाद एक छोटा सा काम हमें ये करना है कि बस गरम गरम राइस बना लेना है, चावल बना लेना है, और इसके साथ हमें इस पापड़ फिश करी को एंजॉय करना है। और इसको खाने के बाद एक और छोटा सा काम आपको ये करना है कि कॉमेंट सेक्शन पे आके मुझे इन्फॉर्म करना है कि आपको ये फिश करी अच्छी लगी या नहीं,
और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि आप अपने घर में पापड़ फिश की कौन कौन सी रेसिपीज बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।